अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू ग्लोरियस वाइटी चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने पबजी मोबाइल के न्यू इवेंट रमज़ान न्यू लुकिंग के ऊपर। भाई बहुत ही ओपी सा इवेंट आया है और आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये इवेंट जितना मज़े का है ना, तुम लोग खुद एट द एंड वीडियो को देख के कहोगे कि भाई वाकई यार एकदम मस्त इवेंट आया और बहुत मज़े की वीडियो थी। तो इसलिए वीडियो कम्प्लीटली वॉच आउट करना। आई होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जिस यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को काइंडली ऑल पे कर लेना, ठीक है ना। जिन्होंने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन ऑल पे नहीं किया हुआ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार जल्दी से बेल आइकन ऑल पे कर दें, क्यों ताकि आप लोगों में जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। तो आइए चलते अपने इवेंट के अंदर। आप लोगों को इवेंट्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आप लोगों को थर्ड नंबर के ऊपर मेरे जो है देखने को मुझे मिल रहा है रमज़ान न्यू लुकिंग। आप लोगों ने अपना ढूंढ लेना है कि आप लोगों कहाँ पर है। इस तरह का हमारा ये इवेंट है और मेरा जो है रीजन पाकिस्तान है। तो अगर आप लोगों का पाकिस्तान रीजन नहीं है तो इसमें यार मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये किसी और रीजन में आया हो तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मेरा इस टाइम पाकिस्तान रीजन है और मैं पाकिस्तान रीजन वालों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। तो रमज़ान न्यू लुकिंग का जो इवेंट है आप लोगों ने इसके गो नाउ पे क्लिक करना है। गो नाउ पे क्लिक करते साथ ही भाई साहब ये इवेंट आपका ओपन हो जाएगा। इस इवेंट के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, इस इवेंट का ना बहुत ही ओपी सीन है कि मतलब कि भाई इसके टोटल 8 रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। एक इसका हेडगियर है, ठीक है ना, जिसका आप देख सकते हो इसका नाम है सोफ रिबेल कवर, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का एक आउटफिट है जिसका नाम है सोफ रिबेल सेट। उसके बाद इसका मास्क है। इसके बाद एक जो आप लोगों को प्रीमियम किट कूपन देखने को मिल रहा है, क्लासिक किट कूपन देखने को मिल रहा है, क्रिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं एक, फिर दो क्रिस्टल्स और फिर जो है 3 क्लासिकेट कूपन स्क्रैप देखने को मिल रहे हैं। अब ये रिवॉर्ड्स आप लोग ले कैसे सकते हो, भाई ये रिवॉर्ड लेना बहुत ही आसान है। टोटल आप लोगों का 120 यूसी लगेगा इन सारे रिवॉर्ड्स को निकालने में, और अगर आप लोगों का एक रिवॉर्ड आपने निकाला तो आपको 15 यूसी का पड़ेगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों के पास 120 यूसी होने चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पर टिकट्स बने दिख रहे हैं ऊपर, आप लोगों ने टिकट्स के प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जाके आप लोगों ने जो है 8 टिकट्स परचेज करनी है, ठीक है ना। 8 टिकट्स आप परचेज करते हो तो आप लोगों को मेरा कितने प्राइस की पड़ेगा, 8 टिकट्स आप लोगों को पड़ेगा 120 यूसी का, ठीक हो गया। अब आप लोग जो स्पिन करते हो, इसके स्पिन करोगे एक, जैसे एक स्पिन करोगे आप लोगों को एक रिवॉर्ड मिल जाएगा और वो रिवॉर्ड जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। ड्रॉ 8 टाइम्स टू गेट ऑल रिवॉर्ड, नीचे भी देख सकते हो आप लोग के लिखा हुआ आ रहा है ड्रॉ 8 टाइम्स टू गेट ऑल रिवॉर्ड। एक दफ़ा स्पिन करोगे जो रिवॉर्ड निकलेगा उस पर वो रिवॉर्ड यहाँ से स्पिन से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर आप लोग दोबारा टिकट का स्पिन करोगे उससे जो रिवॉर्ड निकलेगा वो दोबारा रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आप लोग जैसे जैसे 8 टोटल स्पिन करोगे तो आप लोगों का जो है एक एक करके हर रिवॉर्ड रिमूव होता जाएगा और आप लोगों को मिलता जाएगा। और एट द एंड सारे रिवॉर्ड आपको मिल जाएंगे 120 यूसी के अंदर। 120 यूसी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार एक टिकट की जो प्राइस है यहाँ पर वो है आप लोगों की, एक टिकट की प्राइस है 15 यूसी, सही हो गया। तो 15 यूसी से आप लोग स्पिन करोगे। अब माइट भी ये सिचुएशन भी हो सकती है, मैंने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करके देखा, तो वो भी करके देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने नेक्स्ट स्पिन जो करना है वो कहीं ऐसा ना हो कि दो का हो रहा हो, मतलब कि दो टिकट्स का या 3 टिकट्स का हो रहा हो, तो ये अभी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं ताकि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सही भी है या नहीं है। तो अभी हम लोग एक टिकट परचेज करके देख लेते हैं। तो एक टिकट की प्राइस जो है वो है हमारी 15 यूसी, ठीक है, परचेज कर लेते हैं। तो ओके, परचेज सक्सेसफुली। तो अभी हम लोग एक पे क्लिक कर देते हैं टिकट पे और देखते हैं हमारा क्या रिवॉर्ड मिलता है हम लोगों को। अबे भाई कुछ अच्छा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई वैसे। ओके, हम लोगों को मिले हैं 3 क्लासिकेट कूपन स्क्रैप्स, जी हाँ। तो भाई साहब नेक्स्ट की जो प्राइस है वो हो गई है 2 टिकट्स। तो दोस्तों यार यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में गाइड किया था कि मतलब आप लोग 120 यूसी में सारे रिवॉर्ड ले सकते हो, तो इसकी टोटल प्राइस 120 यूसी नहीं बनती। आप लोगों का पहला जो स्पिन है वो आप लोग कर रहे हो एक टिकट से, फिर आप लोग 2 टिकट से करोगे, फिर थर्ड स्पिन आप 3 टिकट से, फिर 4 टिकट से, फिर 5 टिकट से, फिर 6 टिकट से, फिर 7 और लास्ट स्पिन जो 8 वाला होगा वो आप लोग 8 टिकट से करोगे। तो अब हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि टोटल हमारा कितना यूसी लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि पहला स्पिन हमारा 1 टिकट से हो रहा है, फिर हमारा 2 टिकट से, फिर हमारा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो टोटल हमारी टिकट जो है 36 टिकट्स लगने वाली हैं, ठीक हो गया। तो 36 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 15 कर दें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 540 यूसी, ठीक है। तो इन सब रिवॉर्ड्स को लेने के लिए आप लोगों का 540 यूसी लगने वाला है, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट आप लोग जो है ये सारे रिवॉर्ड ले पाओगे इन 540 यूसी। तो ये भी यार बुरी डील नहीं है, ये भी अच्छी डील है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को एक एक जो ये है ये अपना जो ग्रीन वाइट क्रिस्टल है शॉप से 25 यूसी का देखने को मिलता है।
तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों की प्राइस को जो है कंक्लूड करो तो ये अच्छी अमाउंट में अभी भी आप लोगों को जो है ये पैक पड़ रहा है। ये पूरा स्पिन 540 UC में आप लोगों को हेड गियर, आप लोगों को इसका मास्क, आप लोगों को इसका आउटफिट, आप लोगों को क्लासिक क्रेट, आपको प्रीमियम क्रेट, आपको ग्रीन वाइट क्रिस्टल्स, तो इतना कुछ मिल रहा है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा है अभी भी सीन। पहले मुझे थोड़ा सा लगा था कि शायद हर जो है स्पिन वो हमारा वन जो है टिकट में हो जाएगा, बट मैंने फ़ौरन ही उसको क्लियर करने के लिए आप लोगों के सामने मैंने टिकट को यूज़ करके दिखाया आप लोगों को, तो अपना जो नेक्स्ट स्पिन हो रहा है हमारा वो हो रहा है 2 टिकट्स में। तो ये यहाँ पर जो है छोटा सा जो है मतलब कि कह लो कि हमारे साथ स्कैम हो गया, मुझे भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, मैंने आप लोगों को सामने किया तो मुझे पता चला है। तो बाकी यार ये थी कंप्लीट इसके बारे में गाइडलाइन जो कि मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिया और आप लोगों को लास्ट में बिल्कुल कंप्लीट जो है करेक्टली समझा भी दिया है। बाकी यार अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है YT_glorious के नेम से, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलोअप कर लें। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं पिंड कर दूंगा, नीचे आप कमेंट देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक होगा वो आप लोग क्लिक करके वो भी जाकर सीधा डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं इस इवेंट से रिलेटेड या पबजी वाली या किसी भी इवेंट से रिलेटेड। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से आके वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर दिया रिलेटेड टू रमज़ान न्यू लुकिंग इवेंट। आई होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो बाकी दोस्तों यार ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को लाजमी से यार ऑल पे कर दें। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग सिर्फ एक छोटा सा काम यही कर दिया करो कि आप लोग बेल आइकन ऑल पे कर दिया करो, क्योंकि यार अगर आप लोग बेल आइकन ऑल पे करते हो ना तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाएगा, आप लोग उन वीडियोस को देखोगे और उन वीडियो से मुझे जो है व्यूज़ आएंगे और व्यूज़ से मेरा चैनल ग्रोथ करेगा। तो काइंडली इसलिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग जो है बेल आइकन को ऑल पे कर लें, लेकिन यार बहुत कम लोग करते हैं। लाइक दैट मेरा अगर 18,000 सब्सक्राइबर हैं बट मेरे कुछ वीडियोस पे जो है व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लाइक 500, मतलब कि सिर्फ 500 लोगों ने उनमें से बेल आइकन ऑल पे किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया हुआ। तो यार ये बहुत ही बुरी बात है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेल आइकन ऑल पे करें। बाकी आई लव यू हो गया, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद अ न्यू टॉपिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।